दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष का महीना चल रहा है। इस दौरान सूर्य देव की आराधना करना बेहद लाभकारी होता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो, तो उनके लिए पौष का महीना बहुत खास है, क्योंकि इस दौरान किया गया काम सूर्य देव की कृपा दिला सकता है। तो आज हम आपको उन्हीं उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि सूर्य की स्थिति को ठीक किया जा सके। तो आइए जानते हैं। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, गुड़ और लाल रंग का पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। रविवार को सूर्य देव की आराधना की जाती है। ऐसे में पौष माह का रविवार सूर्य देव की आराधना के लिए उत्तम है। ऐसे में जातक चाहे तो रविवार का व्रत भी रख सकता है। ये व्रत जातक को सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इसके साथ ही सूर्य देव की उपासना से जातक के तेज में भी वृद्धि होगी। पौष माह में लाल मसूर, लाल वस्त्र, गुड़, तांबा आदि किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे भी सूर्य मजबूत होता है। हर रोज सूर्य देव के इन मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्य आदि देव्यों, ओम हा हिलिंग सहा सूर्याय नमः, शत्रु नाशाय नमः, हिंग हिंग सूर्याय नमः। उपरोक्त मंत्रों के जाप के साथ यदि जातक पौष माह में आदित्य हृदय स्रोत का प्रतिदिन पाठ करेगा, तो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और इससे तरक्की प्राप्त होगी। सूर्य की स्थिति मजबूत बनाने के लिए जातक पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके तांबे का कड़ा हाथ में धारण करे। यदि कोई जरूरी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर निकलें। जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य को उच्च करना चाहते हैं, उन्हें इस दिन बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करने चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नया काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई जरूर खानी चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।